वैन भी यहाँ, टायर देखो पास नाइस। डैमेज मिला है 727 का आउट ऑफ 1000। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और नेक्स्ट राउंड में हमें ये एक सेकेंड जंप लैंड फिर इस पूरे एरिया को पार करना है। अब आया थोड़ा सा इम्पॉसिबल राउंड, लेट्स गो। क्या ये घटिया कैमरा एंगल मिलेगा मुझे? प्लीज ऐसा मत करो यार मेरे को। हाँ ये कैमरा एंगल चाहिए। यप, यहाँ से अपनी गाड़ी को नहीं, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ से एक प्यारी सी जंप, अरे बच गई भाई। अगर आगे का बोनेट नहीं, मतलब जो मड गार्ड है वो लग जाता तो शायद थोड़ी सी बम्पर नहीं निकलना चाहिए, बस वो थोड़ी सी सेफ्टी रहती है गाड़ी के अंदर। और क्या मुझे इस वॉल में लाके, बच गई मुझे इस वॉल में लाके क्रैश करनी है। यस, झटका पड़ा इस वॉल पे, पर शायद ज्यादा कुछ हुआ नहीं यार इस वॉल को। पास हूँ मैं, पास हूँ बट मैंने ज्यादा डैमेज नहीं दिया। डैमेज देखो 227 ही है, मैं रिट्राई करता हूँ इसको। ऑलराइट, तो इस बारी मैं अपनी कार को ना बहुत तेज ले जाके उस ब्रिक्स में क्रैश करने वाला हूँ। पूरा क्रैश कर, जो डैमेज मैक्सिमम चाहिए ना वो हमें मिलने वाला है। बाकी यहाँ से बहुत अच्छे से क्रॉस कर गए और सिनेमैटिक क्या मस्त आ रहे हैं यार। लेट्स गो, अब मुझे अपनी कार को भगाना है। और ये मैंने मारी जंप और नहीं, गाड़ी आधे से ज्यादा डैमेज नीचे ही दे गई। और छी भाई छी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जरा सा डैमेज आया यार। एक बार और ठोक दूंगा, हो जा, टाइम खत्म। 229, शायद लास्ट टाइम 227 था, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट राउंड क्या होने वाला है? कैनन कंट्रोल। भाई साहब इसमें पता नहीं क्या करना है, फायर ए से, और मेरे को फायर करना कहाँ है? क्या गाड़ी पे मारनी है क्या? ऐसे मारो, मैं निशाना भी तो लगाना है भाई मेरे को। वेट, मैं दोबारा समझता हूँ कि आखिरकार मुझे ऐसे स्टेज में करना क्या है। यहाँ पर अपने पास ये कैनन है जिसके एंगल्स को मैं नॉर्मली कंट्रोल कर सकता हूँ, फायर भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं ना, शायद से कंट्रोलर के हैं। और ये है वो कार जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बट यार मैं शायद इसको कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। ये रही अपनी कैनन, शायद एकदम एंगल के सामने होगी। ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ, हल्का सा लिफ्टअप करना है मेरे हिसाब से, ज़्यादा लिफ्टअप करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने करा शूट और ये तो बहुत आगे चली गई। छी, इस बारी सिर्फ दो बटन ऊपर करूँगा मैं, 1 and 2। और ये करा मैंने शूट, ओ नाइस भाई गाड़ी पे बहुत बुरी तरह लगी है। डैमेज 812, लेट्स गो। नेक्स्ट राउंड 07 क्रॉल, और क्या होने वाला है इसमें? तो ये है अपना नेक्स्ट राउंड जहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी से बहुत अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करनी है और इसको बहुत ऊंचाई तक लाना है। शुरुआत के स्टेज काफ़ी ज़्यादा फन वाले थे बट अभी सच्ची में ये स्टेज टास्क बन चुके हैं मेरे लिए। मैं इन गाड़ी को भगाना स्टार्ट करता हूँ और कुछ इस एंगल से नहीं, मेरे को ना थोड़ी सी FPP ड्राइविंग करनी होगी, बढ़िया रहेगा। चढ़ जा प्लीज़, आराम से आ जा यार। कैमरा एंगल मेरा ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों चेंज हो जा रहा है सिनेमैटिक्स के लिए। ये आई मेरी गाड़ी ऊपर, नाइस। थोड़ा सा मेरे को एक टॉप व्यू मिल जाएगा तो बढ़िया। बाकी अच्छी बात यह है कि अपनी ये जो कार है ये 4-wheel drive है तो ये कहीं पर भी जा सकती है, बट यार यहाँ नहीं। ओ आ गई भाई, मस्त है ये कार तो यार, बिल्कुल थोड़ी सी ओ और करवा लो सिनेमैटिक। भैंस की दिख ही नहीं रहा आगे का कुछ, ऑटोमेटिकली कैमरा चेंज हो रहा है। ये हल्की सी कार और ऊपर, भाई ये बहुत इजीली क्लाइंब कर जा रही है एक माउंटेन्स को, मतलब माउंटेन नहीं है बट ये जो थोड़े बहुत ही रॉक्सी माउंटेन ही बोलूँगा। अबे टायर क्या, आगे वाला टायर फट चुका है भाई, ये गई है। अब चले जा प्लीज, मेरे को लेवल नहीं फेल करना। ओ आगे, लेट्स गो कंप्लीट, शायद से कंप्लीट है ये लेवल, डन। और आगे नहीं जाना ना, यस हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेज और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि हमारे पास है एक ट्रक और हमें इसे डाउन हिल लेकर जाना है, यानी यहाँ से नीचे। ब्रेकिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और क्योंकि मेरे को ना एकदम टाइम पे ले जाके इसे रोकना भी है। लेट्स गो, इसे स्टार्ट करते हैं। पता नहीं वाला स्टेज कितना डिफिकल्ट होने वाला है। मैं शुरुआत में तो तेज स्पीड में ले जाऊंगा क्योंकि मेरे को कम स्पीड में मजा भी तो नहीं आएगा ना, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ देखने को मिल जाए चलेगा। ओ पैश की थोड़ी बहुत चाहिए थी। ओ वेट, पीछे मैं अगर हैंड ब्रेक मारूंगा तो ये पक्का बहुत गंदा ड्रिफ्ट हो जाएगा। नहीं यार ये नहीं होना था भाई, रीस्टार्ट। ओके, क्या मैं इसको मैनुअल ड्राइव करूँ, न्यूट्रल पे ले जाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा? ड्राइव पे रख रहा हूँ ना तो मैं खुद से ही रेस दे रहा हूँ पता नहीं क्यों। खैर ठीक है, हल्की हल्की सी ब्रेक मार के चलते हैं प्लीज़। आराम से मेरे भाई, आराम से बहुत प्यार से, इतनी ब्रेक मार दूँगा चलना बंद कर देगा। बहुत स्लोली आ रहा है। एक तो इसके सिनेमैटिक के चक्कर में ना
दिखनी बंद हो जाती है चीजें। ओए ये बहुत खराब रास्ता है, हैंड ब्रेक मारी ना, देखो ट्रक कहाँ जा रहा है। अभी हैंड ब्रेक मारी भी नहीं, अगर हैंड ब्रेक दे दी तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये, क्योंकि फिर टायर सक्सेस।